तो आज जो है संडे है और हम इनको नहाने के लिए बाहर छोड़ने वाले हैं। तो ये जो है टेट्रासाइक्लिन पाउडर, तो इसका जो है मैं थोड़ा बहुत इस पानी में यहाँ पे मिला रहा हूँ ताकि ये जो है अच्छे से नहा धोके फिर जो है कोई इन्फेक्शन इनको ना लगे, क्योंकि मेरे ऊपर वाले लॉफ्ट के भी पिजन्स आ रहे हैं फिर यहाँ पे, तो उनका भी पहले पाँव शाँव इसमें डूबेगा और साफ हो जाएगा। और ये हमारी बुखार हमारी फिर से ब्रीडिंग पे बैठी है, क्योंकि इसके अंडे जो है दो क्लच मैंने उठाए हैं, अब ये तीसरे क्लच के लिए तैयारी कर रही है। होप कि जल्दी से डाले और हम उसको भी जो है शिफ्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट क्लच के बेबीज़ हैं तो अभी ये 1 वीक ओल्ड हैं और माशाल्लाह ग्रोथ अच्छा आ रहा है, होपफुली ये बच जाएंगे, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो हमारा जो ये बुखारी मारी है इसको हम अब नहाने डाल रहे हैं ताकि ये भी थोड़ा बहुत क्या फ्रेश हो जाए। इसका मैंने ऊपर वाला जो ताज है वो काट दिया है, क्योंकि मुझे पूरा जो भूत जैसे लग रहे हैं इसे और ब्रीडिंग भी नहीं कर पाते फिर, और जो इसके मोज़े हैं वो भी प्रॉपरली काट दिए हैं हमने, और इसका आ रहा है अब इसको फिर से काटना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हो इसके मोज़े भी कट चुके हैं प्रॉपरली, तो ये अब थोड़ा सन बात लेगी और नहाएगी थोड़ा बहुत, फिर इसको जो है अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो माशाल्लाह ब्रीडिंग भी इसकी अच्छी हो रही है, क्योंकि इसका जो पूरा है मैंने मोज़े भी काट दिए, ताज भी काट दिया, और इसके जो टेल है इसमें सिर्फ एक रखी है मैंने फिर, तो आपने बच्चे देखे कैसे अच्छे निकल रहे हैं अब। और मैं इसके अंडे जो है उठा के दूसरे के नीचे रख रहा हूँ ताकि जो प्रॉपरली मैं ये कर सकूँ इसको ब्रीड, और मेरे पास जो है इसके बहुत सारे बच्चे आ सके। और ये निकल गया, इसका नर भी निकला है। जो है मेरे ऊपर वाले लॉफ्ट का भी इसमें चला गया, तो अब जैसे आप देख सकते हो कि इसके पहले पैर जो है इस पानी में पड़ गए, और इसको तो एक्ट करता है एज डिसइंफेक्टेंट, जिसकी वजह से आपके फिर जो है कबूतर अंदर जाके फिर कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं ले सकते फिर, क्योंकि इनके पैर ही बहुत ज़्यादा गंदे। तो अब हम चले हैं ऊपर वाले लॉफ्ट में, और यहाँ पे जो है बच्चे माशाल्लाह अच्छे से पल रहे हैं। एक फेंटिल, ये मेरा कश्मीरियों का बच्चा है, कश्मीरी बच्चा, तो ये भी अच्छा पल रहा है, लेकिन ये बहुत तेज़ होते हैं। तो ये इसका बाप है दूसरे एग्स पे बैठा हुआ, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हुए होते हैं। यहाँ पे भी दो पल रहे हैं हाई फ्लाइट्स, तो यहाँ पे भी एक हाई फ्लाइट भी है, अच्छा बड़ा हो गया है, तो इसको हम नीचे शिफ्ट कल करेंगे लगभग। यहाँ पे भी जंगली के नीचे जो है मेरे नीचे वाले लॉफ्ट के ही बच्चे हैं, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वहाँ पे भी अभी जंगली के मैंने नीचे रखे हैं नीचे वाले लॉफ्ट के अंडे, तो ब्रीडिंग माशाल्लाह अच्छी है। और वहाँ पे जो है मेरा कश्मीरी है, बहुत पुराना है, मेरा बड़ा भाई इसको पालता था, ये भी माशाल्लाह अच्छी ब्रीडिंग कर दिखा रहा है अभी। तो इसका दूसरा कश्मीरी बच्चा, और इसके पीछे जो है इसकी माँ दिया सफेद, ये रहा दूसरा जंगली। इसके नीचे हम अभी जो है एग्स वो हम चेंज करेंगे, इसके एग्स मुझे देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। अभी इसने जो है एक ही अंडा दिया है, अभी नहीं करते इसको चेंज, तो जब ये दोनों देगा तब चेंज करेंगे इसको। और ये रहा हमारे बेबी छोटे छोटे, इस फेंटेल बच्चे को भी हम 2-3 दिन में जो है नीचे शिफ्ट करेंगे। ये रहा इसका बाप जो इसको पाल रहा था, असल में तो ये फेंटेल का बच्चा है, तो इसके भी हम जो है अंडे हमने चेंज किए हैं, तो इंशाल्लाह 2-3 दिन में इसके जो फेंटेल बच्चे को नीचे ले जाएंगे, और जो भी यहाँ पे तैयार होगा उसको हम शिफ्ट करेंगे। अब जो इनका ये ब्रिक जो ईंटों का इनको बुरा बना के देता हूँ वो भी मैंने रिफिल कर दिया है, और ये जो टाटा साल्ट इसको आप हल्का हल्का छिड़के इसके ऊपर, तो इससे इसको जल्दी जल्दी खाते हैं फिर, और इनका जो ये रहता है हाजमा वो ठीक रहता है, और इनको एनर्जी भी इससे मिलती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी इनके मिनरल्स कम हुए होते हैं माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी इनके जो निकलते हैं ब्रीडिंग के दौरान, तो वो फिर इस वजह से जो है रिकवर हो जाता है। और इसमें आप जो है अंडों के छिलके जो है उनको फिर आपको आपको क्या करना है, थोड़ा हल्का हल्का पीस के इसमें डाल देना है। तो वो ऊपर वाला लॉफ्ट और नीचे वाले लॉफ्ट का जो है एक्सटेंड होता है फिर अंदर, इस वजह से क्या है कि जो पानी डायरेक्ट नीचे गिरता है बाहर आंगन में, और अंदर जो लॉफ्ट के गंदगी गंदगी नहीं मचती है फिर।